व्हाट इज द फाइटर्स आज अचीयर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं राम लीथल के बारे में। अब आप बोलोगे कि राम लीथल के बारे में क्यों है, क्यों भाई? तो सिंपल से मेरा बोलने मतलब यही है कि जैसे कि आप लोगों को पहली बहुत बार बोलने मतलब बहुत बार बोल चुके जब से कोलैब आया हुआ है कि आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है न्यू प्लेयर्स को खास करके और वेटरन्स को खास करके, क्योंकि SSBS में जल्दी मिलता नहीं है, तो आप लोग कोलैब का इस कैटेगरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो क्योंकि इनको आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हो और ये आपको उतना महंगे भी नहीं पड़ते हैं, समझे? तो अब हम लोग अगर रामलीथल से बात करें तो क्या है इसके पास, तो इसके लीडरशिप अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसके पास है अटैक, हम लोग 45% इंक्रीज हो किसका, गिल्टी गियर फाइटर का, और पावर चार्ज 20% से। और से हम लोग कोर इफेक्ट को चेकआउट करें तो हम लोग पास 30% पावर चार्ज रेट है, इसका मतलब ये 20+30 मतलब 50% पावर चार्ज रेट मिल जाएगा, जिसका मतलब इसको हम लोग इमॉर्टल डेंजर्स में भी लेके जा सकते हैं, वहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छा पावर चार्ज रेट मिलेगा। और जिस हिसाब से इसका 3PG है जो भी हम लोग साथ में देखेंगे वो इतना लंबा है, वो काफ़ी ज़्यादा समय भी हम लोग इंस्टॉल करके रखता है, ठीक है? तो पहला कोर हम लोग का 70% चांस टू अप्लाई फियर ऑन द अटैकर फॉर 2 सेकंड व्हेन अटैक्ड, ये गारंटीड नहीं है, 70% चांस है, ठीक है गाइस? और पीपी वाला भी हम लोग तो बातचीत नहीं करते हैं, ये हम लोग कूल डाउन इस 15 सेकंड्स पे। और दूसरा 40% चांस टू डील एडिशनल डैमेज को 650% ऑफ अटैक अपॉन लैंडिंग एंड अटैक, काम खत्म। आप अटैक लैंड किए 40% चांस है कि आप 650 टाइम्स ऑफ अटैक लैंड करने वाले हैं। अब ये देखो, और वो इतना मैटर क्यों करे, क्योंकि अगर आप इसका एक एक्टिव स्किल को ही देखो तो हम लोग 700 समथिंग का डैमेज करता ही है, तो हम लोग नॉर्मल अटैक करके 650% का डैमेज कर रहे हैं, समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? तो इसीलिए इसका कोर तो काफ़ी सही है। और हम लोग इसकी स्किल्स की बात करें तो और बस इतना बोले हैं कि गिल्टी गियर में जितने भी फाइटर्स हैं उनसे भी स्किल तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ा बनाया हुआ है, ठीक है? तो पहले स्किल बात करो, आप यहाँ खाली टेक्स्ट देखो, इतना भर भर टेक्स्ट ही आप लोग समझ जाओगे भाई, एकदम जहाँ जो नहीं भी डालना था वो भी डाल दिए हैं, हम कंप्लेन नहीं करें, हम ही लोग का फायदा है, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को बोला अटैक बूस्ट, उसके हम लोग का ब्लैकआउट मतलब डार्कनेस का थोड़ा अपग्रेड वर्जन है वो ब्लैकआउट, हमको बता दें क्या होता है उसमें, क्या होता है कि हम लोग डार्कनेस 30% ऑफ अटैक हम लोग डील करते हैं और हम पावर चार्ज रेट भी 2% डिक्रीज करते रहते हैं, ठीक है? उसके यहाँ पे हम लोग क्या करें, डील्स स्टारलाइट डैमेज इक्वल टू 5.5 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग, मतलब सिंपल सा यहाँ स्टारलाइट का डॉट एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है गाइस? और सेकंड स्किल पे हम लोग पास क्या है, हम लोग इस फियर अप्लाई करेंगे यहाँ रेडिएंट मतलब स्टारलाइट के अपग्रेड वर्जन, और यहाँ पे हम लोग डार्कनेस का एक्सप्लोजन कर रहे हैं और ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया, ठीक है? और देखो उसके थर्ड स्किल हम लोग, ये हम लोग का हाइपर आर्मर स्किल है जिसको हम लोग स्टैंडिंग या एयरबोन होकर दोनों समय एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मतलब आप लोग मार खा रहे हो, आप लोग हवा में कोई उड़ा दिया तो वहाँ पर से आप लोग मार सकते हो, या फिर आप लोग मार खा रहे हो खड़े खड़े तो वहाँ पर भी अपने ओपोनेंट को रोक कर अपने ये स्किल इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज़ कि इसका कोर फिनिशर, इसको अगर हम गौर करते हैं यहाँ पे हम लोग डील्स डार्कनेस इक्वल टू 20% ऑफ अटैक एवरी सेक 1 सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, ठीक है? और उसका उसी से स्टार लाइट में हम लोग डील कर रहे हैं 20% ऑफ अटैक एवरी 10 सेकेंड। तो अगर मान लो जैसे कि आप लोग अभी हम लोग गिल्डेड इसको हार्ड मोड लेके जाएंगे गीजा बढ़ के जहाँ पे हम लोग स्टार लाइट चाहिए, तो वहाँ पे अपने पहले क्या करेंगे, ये वाला स्किल को इस्तेमाल कर देंगे क्योंकि हम लोग डार्कनेस अप्लाई करेंगे और हम लोग इस स्किल यूज़ करें तो हम लोग अगर स्किल टू भी यूज़ करते हैं हम लोग स्टार लाइट अप्लाई करते रहेंगे। उसके थर्ड स्किल जो मार्क होगा उतने में अगर हम लोग का ये भी रेडी हो जाता है, और चलो आपको वहीं पे दिखाते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसके स्किल इतने ज़्यादा हिट करते हैं जिससे मेरे को लगता है कि शील्ड बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो जाएगा। अब हम ये शब्द क्यों बोले लगता है, क्योंकि हम इसको पर्सनली ट्राई नहीं किए हुए हैं, हम अपने गिल्ड में कुछ लोगों खेलते हुए देखे, वो लोग काफ़ी अच्छा स्कोर रीच किए हुए हैं, और आप लोगों को पता है सबसे सीनियर हम लोग कोफास के यूट्यूबर फॉर्मुलेशन का भी हम वीडियो देखे तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड शील्ड शेड कर रहा था, मतलब कर रही थी ये। तो अब हमको जानना है कि हम इसको लेकर कैसा खेल पाते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग इसका पहले स्किल का बात करें, जो लोग डार्कनेस लीड डील करने वाले लीड बोल रहे हैं, उल्टा बोल दिए, ठीक है? ये हम लोग डार्कनेस वाला हो गया, ये है हम लोग का स्टार लाइट ऑफ फियर अप्लाई करने वाला, ये है हम लोग का हाइपर आर्मर स्किल। और अगर गौर करो हम लोग काफ़ी सारे हिट्स कर रहे हैं हर एक शॉट पे। उसके लिए हम लोग कोर फिनिशर जो हम लोग का डार्कनेस और स्टार लाइट दोनों ही डील करता है, खाली हिट्स सुनाई दे रहे हैं ना आपको कितने ज़्यादा हो रहे हैं, ये तो ये हो गया। और उसका 3PG, और अगर आप लोग मेरे वीडियोस को काफ़ी समय देख रहे हो मतलब जब से कोलैब आया हुआ है, हम उसी समय बोले थे इसका 3PG देख के ही हमको अब ये चाहिए, ठीक है? मतलब इतना लंबा 3PG मतलब लग नहीं रहा कितनी ज़्यादा मेहनत हुआ इस पर, हाँ लग रहा है कि नहीं? तो चलो ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ कितना डैमेज रीच कर पाते हैं, और हम इसीलिए इसको पूरा खिला पिला के नहीं लेके आए हैं, थोड़ा कमज़ोरी छोड़े इसको। अब देखो हम इसको यहाँ पर कोई भी कैप्सूल्स नहीं दिए हैं, खाली हम इसको अवेकन लेवल 2 तक रखे हुए हैं और खाली लेवल अप कैप्सूल्स है, यहाँ कोई भी अटैक डिफेंस HP वाला कोई भी कैप्सूल इसको यहाँ नहीं दिए हुए हैं हम, और होना भी चाहिए देने के लिए, ठीक है?
कोर्स का बात करें, कोर्स पूरी तरह अनलॉकड है, ठीक। उसके कार्ड्स बात करें तो उसको गिल्टी गियर सेट दिए हुए हैं। ओए इधर आ जा हाँ, गिल्टी गियर सेट दिए हुए हैं, यहाँ जिंटवा कुल्डन कार्ड दिए हुए हैं, और यहाँ पे हम दोनों ही कार्ड से क्रिटिकल डैमेज वाला कार्ड दिए। क्यों? क्योंकि हम लोग सीपी हल्का ज़्यादा देता है, ठीक है, मतलब 400 की 500 सीपी हम लोग का और इंक्रीज़ कर देता है, इसीलिए इसी कारण से इसको यहाँ पे लेकर आए हैं। और यहाँ पे स्टोन से इसको पहले में मैक्स आउट डबल अटैक स्टोन दिए हुए हैं, यहाँ पर लेवल 6 तक लेके गए, मतलब सिर्फ हम लोग को 4.4 पर थोड़ा अटैक मिलने वाला है। और अगर एफिनिटी बात करें तो हम इसको लेवल 10 तक लेकर गए हुए हैं, ताकि हमको यहाँ पर आपको हम दिखा दें अटैक का बूस्ट मिले और क्रिटिकल डैमेज रेट भी हम लोग का 12% इंक्रीज हो, जिसका मतलब हम लोग और ज़्यादा डैमेज डील कर पाएंगे। तो इतना सब बातचीत करने के बाद हम लोग यहाँ पर अब इसको लेके जाएंगे गिल्डेड गीस अवार्ड में। और स्ट्राइकर में आप लोगों को दिखा दें कि हम डीजी को लेकर जाएं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एचपी चाहिए, ठीक है। आप लोग किसी और भी स्ट्राइकर को वहाँ पे लेकर जा सकते हो, हम एक बार देखते हैं, हम लोग अब साथ में देखते हैं हम लोग वहाँ किसको और लेके जा सकते हैं। अरे वाह, यही तो देखना है हमको, कोई लेजेंड आज कोई नहीं खेला है, देख रहे हो, किसी को मतलब नहीं है इससे। क्यों करेगा मतलब, जब हम लोग का रूगल वाले में हम लोग इतना जल्दी इतना अच्छा स्कोर रीच करके वहाँ पर डबल स्टोन बॉक्स पा ही लेते हैं। और गिल्ड मतलब ये गीज अवार्ड पहले से हमको लगता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी बना दिए ये लोग इसको, तो चलो लेजेंड है सब कोई। ठीक है, अब हम लोग स्ट्राइकर इफेक्ट देख लेते हैं, बाकी सब तो हम गिल्टी करके सभी फैक्टर, इसका स्ट्राइकर इफेक्ट सेम ही रहने वाला है। बस हम डी सी हम लोग को 12% का रिकवरी देगी, और यहाँ हम लोग का अटैक, उसके पावर चार्ज रेट और डिफेंस डिक्रीज कूल डाउन तो है ही। नेमलेस क्या दे रहा है भाई? अच्छा तो टाइम अटैक में ले जाने लायक है, और नहीं हम लोग डीजी को लेकर जाएंगे, क्योंकि हम लोग का अटैक ऑल टाइम देने वाली बहुत सही वाला। तो चलो बहुत ज़्यादा बातचीत हो गया गाइस, अब हम लोग एक्शन पूछ करते हैं। और हम इसको पहली बार लेकर खेल रहे हैं, तो एक हिसाब से बोल सकते हो कि ये न्यूबी प्ले होने वाला है, न्यूबी वाला पता नहीं जो नया नया खेल रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हमको बस स्किल्स मालूम है कौन किस कैसे काम करने वाला है। चलो शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, इस रन के बाद हमको आपसे कुछ बात करना है, ठीक है, तो हम लोग वो भी करेंगे। चलो ये थोड़ा थंबनेल बनाने के लिए थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं हम, इसलिए हमको माफ़ कर दीजिएगा प्लीज। चलो गाइस, हम यहाँ पे अपना माइक थोड़ा ऑफ कर दें, ताकि हम इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे पाए, ठीक है। तो चलो हम लोग इस मैच को कम्प्लीट करने के बाद बातचीत करेंगे। गाइस हम बहुत ज़्यादा बड़ा वाला गलती कर दिए थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़ा अगर गलती करते तो इसके लिए माफ़ करिएगा। मगर हम लोग के यहाँ पे सिर्फ 232 मिलियन का डैमेज चाहिए, तो हमको लगता हो जाएगा, लगता है हो तो जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। शील्ड ख़त्म हो जाए प्लीज़, रेजिंग स्टॉर्म नहीं चाहिए हमको, मिल ही गया, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे वाह 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 वाह, अरे और मार ले थोड़ा सा और ही मार ले। अरे यार क्या हो रहा है ये, मतलब मारने क्या बोले, मार ही दिया पूरा, आधा लाइफ हम लोग का ख़त्म हो चुका है। कोई बात नहीं अरे हो जा, कहीं पर आना चाहिए अपने शरीर में। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा डैमेज खा चुके हैं गाइस हम लोग। अरे गीस रहने दे यार थोड़ा सा, ये इतना ज़्यादा क्यों मार रहा है? ठीक है भाई, बहुत हो गया तेरा। और हाँ, कार्ड में गिल्टी सेट लेके आए हैं, मगर हमको लगता है अगर हम इसको स्टारलाइट डैमेज बूस्ट करने वाला कोई सेट लेके आए तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और फिलहाल के लिए भी हम लोग का डैमेज कितना पे है, हम लोग 180 रीच कर चुके हैं, और हम लोग को इस मोड में कितना का डैमेज चाहिए, शायद 232 का डैमेज चाहिए ना। चलो देखते हैं क्या होता है। अरे 3 बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, बहुत ज़्यादा। ओ ना
बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ गाइस। हम लोग 282 मिलियन डैमेज तो डीप नहीं कर पाए, हम लोग 189 पर हैं। अगर हम एक काम करते हैं, हम लोग इसको वापस से खेल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इस वक्त कुछ गलती की, और अगर हम वो गलती नहीं करते, ठीक है, हमको पूरा भरोसा है कि हम 232 तो आराम से रीच कर सकते हैं। कुछ भी नहीं, अगर हम खाली स्टोन को भी वाला अपग्रेड कर दें और इसको कैप्सूल दे दें, तो 2 स्टार पर हम आराम से, मतलब आराम से इसको बोलते हैं ना, उस हिसाब से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो हम एक बार खुद को एक और मौका देना चाहेंगे। तो चलो हम लोग अब लड़ना वापस शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो कि इस बार भी हम लोग का रन बहुत ज़्यादा कुछ खास तो रहा नहीं, ठीक है, कहीं से कुछ ये मतलब बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे गलती कर रहे थे, मगर उसके बावजूद भी हम लोग 318 का मिलियन का डैमेज रीच कर चुके हैं, ठीक है, जबकि हम लोग की रैम लेथल सर्वाइव भी नहीं कर पाई बिना स्टोन्स दिए हुए। और बैकन के चरम को देखने पसंद तो नहीं आ रहा है, मगर फिर भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो चेहरा है वो पसंद नहीं आ रहा हमको देखने में, ठीक है। तो हाँ, तुम क्या बोल रहे थे कि रैम लीथल
काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है हमको, मतलब काफ़ी मतलब अब यहाँ देखो ना आपको 233 मिलने का डैमेज चाहिए और यहाँ बिना 3 स्टार किए हुए, ठीक है, बिना कैप्सूल दिए हुए, बिना कम से कम 2 एक अच्छे तरह से अपग्रेडेड स्टोन्स भी बिना दिए हुए भी हम लोग ये डैमेज कर रहे हैं और बिना अच्छे से खेले हुए भी, समझ रहे हो, यहाँ पर कुछ भी चीज़ हम लोग अपना फेवर में नहीं रखे हैं। तो उसके बावजूद भी अगर हम लोग ये हल कर पा रहे हैं तो रैम लीथल को आप लोगों को और कोई बहाना चाहिए अपग्रेड करने के लिए, मतलब नहीं करने के लिए। हम ऑल इन ऑल बस इतना ही बोले हैं कि रैम लीथल बहुत ज़्यादा बढ़िया कैरेक्टर, हमको इसके ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए था, हम नहीं दिए, उसके लिए आई एम रियली सॉरी बाबू। हाँ आजकल बाबू सोना से ज़्यादा मुँह से निकल रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा से बातचीत करते हो, मतलब इतना अच्छा कमेंट करते हो, इतना अच्छा सपोर्ट करते हो, तो आप लोग बाबू से कम उमिलिए नहीं, ठीक है गाइस। तो हाँ, और एक और चीज़ जो आप लोगों से बात करना चाहते हैं कि हम अभी कुछ दिनों से मतलब 2-3 दिन से फील कर रहे हैं कि हमको केओएस खेलने में मन नहीं कर रहा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा है, गेम अभी बहुत बढ़िया है, मगर हम अभी बाकी सब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ही मतलब उलझे हुए हैं जिसके कारण से हमको केओएस खेलने में मज़ा नहीं आ रहा है, और इसी कारण से कुछ दिनों से हमको वीडियोज़ बनाने का मन नहीं कर रहा है। हम यूजुअली बोलते तो नहीं है मगर हमको लग रहा है आज हमको बोल देना चाहिए था, कम से कम आप लोगों से हम ये सब बात तो शेयर कर ही सकते हैं। हमको पर्सनली खेलने का ही मन नहीं हो रहा है, ना ही वीडियो बनाने का मन हो रहा है, और ऐसा क्यों है हमको लगता है कि हम मेरा बाकी सब जो कोरस है वो सब काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जा रहे हैं, उसी कारण से ऐसा हो रहा है, मगर कोई बात नहीं। तो हम इसलिए आप लोगों से यही पूछा कि अगर हम संडे को, ठीक है, सिर्फ एक दिन ऑफ लें तो आप लोग क्या कहते हो, ठीक है, हमको आप लोगों का व्यूज जानना है कि संडे को हम ऑफ लें कि जैसे चल रहा वैसे ही कंटिन्यू करें, ठीक है गाइस। आप लोग ये सब चीज़ों को थोड़ा नीचे कमेंट ज़रूर बताना। तो गाइस हम होप करते हैं थोड़ा आप लोगों को मज़ा आएगा, तो इसे ज़रूर लाइक करेगा, और रैम लिथल को लेकर आप लोगों के क्या थॉट्स हैं आप ये भी हमको नीचे ज़रूर बताइएगा, और क्या आप लोग ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किए थे, तो ये सभी चीज़ें आपको नीचे ज़रूर बताना गाइस। और हाँ, अगर वीडियो मज़ा आया है तो ऐसे ही मज़ा वीडियो हम रोज़ डालते हैं, बहुत सारे हम डाले हुए भी हैं, तो उन सभी का मज़ा लो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है, पूरा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे पूरा रैम लीथल को फेंक के मारो कि उसका तलवार फेंक के मारो, आपको नहीं पता, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।